मुझे एक संस्मरण याद आता है 1981 में पहली बार मैं वृंदावन गई थी किन्हीं संत के साथ तो वहाँ हमको सब मंदिर दर्शन कराने लेके गए अब हालांकि वो संत ज्ञानी थे वेदांती संत थे पर तीर्थ की दृष्टि से भी हम सबको ले गए और सारे प्रमुख जो मंदिर है हम सबको वहां एक एक करके वो लेके गए आज भी मेरे मेरे दिमाग में उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग का हो तो है कि वहां एक मंदिर की चार दीवारी के ऊपर ये दोहा लिखा हुआ था और ये जो गली थी ये यमुना जी को जा रही है मतलब तंग गली है छोटी सी गली पैदल जाते रिक्शा नहीं जाता और फिर एक खुला पड़ाव सा आता है चौक समझ लो और वहां दीवार के ऊपर एक आश्रम की बाहर की दीवार थी जिस पर ये श्लोक लिखा हुआ था बंसी बट सो बट नहीं नंद गाँव सो गाँव यमुना तट सो तट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम कि यहाँ ये जो बंसी बट है इस बंसी बट से बढ़िया कोई और संसार में बट नहीं हो सकता है माने वन नहीं बगीचा नहीं हो सकता है। और जैसा नंद गांव है नंद जी का गांव, जहाँ श्री कृष्ण पले उस गांव से उत्तम और कोई गांव दुनिया में नहीं हो सकता अभी बताओ आज के समय में तो फिर भी थोड़ा चेंज हो गया उस समय तो बिल्कुल कच्चे कच्चे घर धूल मिट्टी उड़ रही मैंने फिजिकली कोई ऐसा प्रोग्रेस या आ, धन धान्य ऐसा कुछ नहीं दिख रहा वहाँ पर और यमुना तट सो तट नहीं जो यमुना जी का तट है इससे बढ़िया दुनिया में कोई तट नहीं मैंने गंगा नर्मदा कावेरी किसी का नाम नहीं कोर्स वृंदावन में है तो वो वहाँ के ही तो गुण गाएंगे और कृष्ण नाम सोना कि जो कृष्ण नाम में रस है वो और किसी नाम में हो ही नहीं सकता अब देखिए भक्ति का कमाल चमत्कार देखिए कि आप उसी वृंदावन में खड़े हो और जहां के लिए ये दोहा कहा जा रहा है कि जैसा ये है, वन है ऐसा और कोई वन नहीं जैसा ये तट है ऐसा कोई और तट नहीं जैसा वृंदावन है वृंदा वुर्णा, वृंदावन तुलसी ये पूरा एरिया में तुलसी जी के पौधे थे सारे इसलिए नाम वृंदावन जहां तुलसी के ये पौधे ही पौधे थे बोले इससे बढ़िया कोई वन नहीं हो सकता और कृष्ण नाम से बढ़िया कोई नाम नहीं हो सकता है तो ये दोहा जो है हम लोग बोल के पढ़े तो बोल बोल के पढ़ रहे हैं और फिर ऐसा पागल पंचाया जो तालियां बजा बजा के हमारी इस छोटी सी मंडली ने आनंद किया जो गाया जो नाचे जो गाया क्या आप खड़े वहां पर है जिसकी तारीफ हो रही आरंखों के सामने यमुना भी है यमुना का तट भी है पीछे निधिवन है और नंदगांव है और वृंदा के वन में हैं हम हैं वहां पर ओहो हो। जो मस्ती छाई जो मस्ती छाई खूब सब नाचे खूब गाए तो भक्ति का जो रस होता है उस रस में तो कोई और साधन करना ही नहीं होता मन उसी में एकाग्र हो जाता है सहजता से एकाग्र हो जाता है हालांकि तीर्थों में काशी हरिद्वार ऋषिकेश वृंदावन रामेश्वरम द्वारिका पूरी आदि आदि ये सब तीर्थों में आम ग्रस्त लोग भी रहते हैं बैंक बाजार शॉपिंग मंडी सब कुछ होता है लेकिन जिसका भाव है जिसके मन में भक्ति है उसके लिए वो स्थान ऑर्डिनरी नहीं रह जाता बड़ी मस्ती आती है तो हम लोग वृंदावन में गली गली में नाचते गाते नाचते गाते नाचते गाते सात दिन हम रहे थे तब वहाँ सात दिन रात मुश्किल से शायद चार या पांच घंटे सोते होंगे सुबह ही सुबह वहाँ गली गली में तो मंदिर था कभी यहाँ से आवाज़ आ रही आरती की यहाँ से आ रही यहाँ कीर्तन हो रहा वहाँ कीर्तन हो रहा तो इतना अद्भुत इतना नशे वाला वो सब रसमयी भक्ति का स्थान लगा तो उसके लिए कोई अब अलग से ना आसन ना प्राणायाम मन मस्ती में माने आंख ही नहीं खुलती थी इतनी मस्ती थी तो या तो भक्ति मार्ग से आप अपने मन को एकाग्र और स्थिर करते हैं या फिर आप योग के द्वारा करते आप भक्ति कैसे करें ये तो है है नहीं है नहीं है ना प्रेम है है नहीं है नहीं है लेकिन योग कम से कम किया तो जा सकता मुझे याद आता है मैं एक मंदिर में सत्संग कर रही थी तो एक महिला के इतने मोटे मोटे आंसू आते मैं जब सत्संग करूं तो तो एक दिन उससे पूछा मैं आप तो बहुत बहुत आपको आंसू आते कहती थी सच्ची बात बताऊं मेरे को ना आंसू आते ही नहीं मेरे अगल बगल सब सुन सुन के भाव विभोर हो रहे रो रहे हैं भावुक हो रहे और मेरे आंसू ही नहीं आते तो मुझे लगता था और फिर किसी कथा में यह सुन लिया कि जो पापी होते हैं उन्हें भगवान की भक्ति सुन कर के सत्संग सुन के भी उनको भाव नहीं आता है पापियों को भाव नहीं आता जो पुण्यवान है उन्हें आता है कहती तो बड़ी शर्म लगती थी कि सब तो रोते हैं मेरे आता नहीं तो कहती फिर ना मैं थोड़ी सी पुड़िया में लाल मिर्ची ले आती तो जब ही एंटर करने लगूं मंदिर तो थोड़ी थोड़ी आंख में लगा लेती अब आंख जलेगी तो पानी आएगा पानी आता तो थोड़ा कोशिश करती कि अब इसमें रोने की आवाज भी आ जाए मैं इतनी क्या फत पड़ गई तेरे को तू ऐसा क्यों कर रही है मत कर ऐसे कि तेरी बाकी लोग क्या सोचेंगे मैं बाकी जाए बाहर में तुमने क्या लेना देना नहीं ये मत करो आंखें खराब करनी तुमने ऐसे नहीं करते ये तो धोखा है तो धोखा देने आती है कहती नहीं मेरे को समझ ही नहीं लगी बाल बुद्धि पर फिर मैंने देखा जो लोग जिनके मन निर्मल है जो खुले दिल से आते श्रवण करने सरसता होती भाव होता है और फिर बहुत उनको रोना भी आवे अब एक आध बार क्या हमने ऐसी महत्व दे दिया कि जो भक्ति में रस में जाएगा उसको तो आंसू आएंगे आएंगे फिर मैंने देखी देखा ये कि मैं यहां भजन शुरू करूँ और तो औरतें तो दाड़े मार मार रोने मैं भाई ये तो गड़बड़ हो गई क्या हो रहा है ये माने इतना हम प्रभावशाली बोलते हैं कि इतनी तो जल्दी असर हो जाता है फिर एक दो महिला को प्यार से थोड़ा पुचकारा अपना बनाया पास बैठाया और फिर मैंने कहा तुम इतने जोर से क्यों तेरा रोना आता है कहती थी सच्ची बात है बोलू ना कभी सास से डांट पड़ती कभी पति से पड़ती है कभी इससे कभी उससे मन होता है दुखी तो जब यहां ना तो अंदर सब भरा हुआ बाहर निकल आता मैं लो कर लो बात तो घर को रो रही है ये अब क्या है तो कई बार भक्ति के नाम पे भी बड़े नाटक शुरू हो जाते पर भक्ति नाटक नहीं है तो या तो भक्ति से गुरु भक्ति हो ईश्वर भक्ति हो या तो योग से इत, किसी एक रास्ते में बेटा ठीक से चलो तो मन स्थिर तो इतनी आसानी से हो जाता है क्या ही कहने मुश्किल नहीं होता जब आप ध्यान करते हैं तो जैसे जैसे मन की प्रकृति बदलती है वैसे वैसे आपकी अनुभूतियां बदल जाती हैं शरीर हम हैं भी कहाँ जब हम ही शरीर नहीं तो कोई ऋषि शरीर कैसे तो गुरु शरीर कैसे लेकिन किसी एक क्षण में ऐसा संभव है कि स्थूल ठोस शरीर न दिखे और उसकी जगह जैसे सिर्फ रोशनी है और फिर वो भी न दिखे वो भी जैसे लीन हो जाए तो ये सब अनुभूतियाँ आपके अंतकरण के आपके मन के सात्विक हो जाने की वजह से होती बाकी सब विचार बने हैं ख्याल बने हैं तो भी संसार है फिर धीरे धीरे संसार के ख्याल सब चले जाएं और सिर्फ एक विचार बचा गुरु का सिर्फ गुरु का विचार बचा तो ये जो अंतिम विचार बचता है तो संभव है कि फिर वो भी लीन हो जाए तो देयातीत हम हैं दयातीत ही तुम हो शिव भी दे नहीं है शिव भी देहातीत है तो देह के इस लिबास के पीछे तो तुम ही हो ना सचिदानंद सांकेतिक हम कह सकते हैं जैसे बार बार मैं बोलती हूं शरीर कुछ और नहीं सिर्फ ऊर्जा ही तो है सिर्फ ऊर्जा ही तो है ये प्राण की ऊर्जा तत्वों के जोड़ से बना हुआ ये शरीर कार्य करता है लेकिन तुम ना शरीर हो ना तत्व हो ना इंद्रिय हो ना मन हो तो कभी कभी ध्यान में त्राटक में अभ्यास करते हुए में ये तुमने ये किया तो ये हुआ ऐसा नहीं होता है इसे हम अकस्मात घटी घटना है इट्स जस्ट अ सडनली समथिंग चेंजेस सम गेयर शिफ्ट इन द माइंड एंड देन यू कॉन्ट सी योर ओन बॉडी एंड यू कान्ट सी माई बॉडी एंड यू कॉन्ट सी द एनी नेम एंड फॉर्म एंड एवरी थिंग इज डिजोल्व्ड इन टू जस्ट प्योर एब्सुलूट मे बी वी कैन कॉल इट वनस मे बी वी कैन कॉल इट डिविनिटी मे बी वी कैन से इट इट्स एक्जिसटेंस प्योर एक्जिसटेंस से जो ये जो अनुभूतियां हैं ये ठहरे हुए मन में ध्यानस्थ मन में संभव है तो ये मिले तो बहुत अच्छा शुक्र करे कि कैसी अनुभूति मिली और दूसरा ये भी चीज साबित हो जाती है कि जब कोई जीव प्रार्थना करता है तो कितनी गहराई से कर रहा है और कितनी सच्चाई से कर रहा है उसके अनुसार उसका फल हो जाता है वेन पीपल प्रे फॉर वर्ल्ड स्टाफ डोंट द गेट इट ये द डू बट वेन यू विल बिगिन टू प्रे फॉर योर अपलिफ्टमेंट वाई वुडेंट डैट हैपन इट विल माइंड बिगिनस टू लूज इट्स ओन ग्रॉस Form of like thoughts, memories, desires, urges, archetypes in the subconscious. These are all forms of the mind, various extensions, functioning faculties. Thinking, remembering, memory, uh, speculation. Too many desires. Too many. Uh, impressions of whatever we perceived or experienced that's all stored in our chitta the subconscious and our subconscious as such doesn't has any gross form and yet it is there and from there your mind gets shaped up from there your body got into a this particular size and shape or the birth which happened happened because of your mind only so the structure of mind is all very subtle and that's impa impacting your physical presence and appearance and the same goes for the whole world so once the mind goes to its own origin then the things and the experiences will change drastically so, any good aspirant can have this experience of as if his or her body is totally gone, it doesn't even exist. Or the boundary from where the, my body ends and another body begins, even that boundary gets uh, melted. And then everything is just one same current which is flowing. Call it energy, uh, call it consciousness. कॉल इट यूनिटी कॉल इट वन एब्सोलूट एग्जिस्टेंस और शुड आई से अद्वैत द नॉन डुअल एग्जिस्टेंस तो ध्यान में जब मन पूर्ण रूपे एकाग्र होता है तो उतना ही पारदर्शी हो जाता है जैसे एक कांच की दीवार अंदर बाहर दिखाई देगा पर यही मन जब तामसिक होता है तो ऐसे हो जाता है जैसे ईट की दीवार बाहर का कुछ दिखता ही नहीं है। तो जब ये अज्ञान और तमस से मन भरा होता है तभी तो ये शरीर मैं मेरा लगता है पर जो तो जो मन अंतर्मुखी होता है एकाग्र होता है स्वच्छ होता है निर्मल होता है तब तब ये बात क्लियर हो जाती है कि देह हम हो नहीं, है नहीं। देह अस्मिन्य था कौमारम यौवनम जरा जिस देह में टीन एज स्टेट और बुढ़ापा होता है वो हम हैं ही नहीं तो ये खाली सुनने की चीज़ नहीं है ये अनुभूति की चीज़ है पर वो अंतर्मुखता वो मन का आ, उतनी सूक्ष्मता से अपने आप को अपने आप को जानने के लिए देह से जो जुड़ाव है उसको काटना आवश्यक होता है तो आप सुनते रहते सुनते रहते सुनते रहते तो विचार लगता है कि अच्छा मैं दे नहीं हूं मैं दे नहीं हूं पर फिर किसी दिन ध्यान में यह घटित होता है कि देह तो सच में मैं नहीं हूं देह तो सच में मैं नहीं देह की सीमा मेरी है ही नहीं और रही बात मेरे आसपास ऋषि बैठे हैं ऐसा ऐसा अनुभव होना है तो वो तुम्हारे ही मन की रचना पर मन के सत्व गुण की रचना और ये भी बात सच है कि अब सप्तऋषि की जो मूर्तियां यहाँ हमने स्थापित करी हैं तो ये हर व्यक्ति जो आके यहाँ दर्शन करेगा उनके मन में ऋषि वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र ऋषि अत्रि ऋषि गौतम आदि इन सब ऋषियों का वो जो दर्शन करेंगे क्योंकि अभी तक नाम ही सुना था कि सब ऋषि होते हैं हमने उनको एक नाम को एक आकार दे दिया उस, उन नामों को एक रूप दे दिया है अब जब आप उसका दर्शन करेंगे तो निश्चित वो भी तो छाप छोड़ेगा कि नहीं कोई कह रहे थे कि जिस दिन ये यहां रखी जा रही थी मूर्ति तो वो पीछे वाली ऊर्जा वाली रोड से चल के आ रहे थे वो ज्यों वो घूमे और ये सफेद रंग की मूर्ति देखी बोले दिल धक से रह गया ये क्या है और जब सामने गए और सामने से जब दर्शन किया तो बोले बिल्कुल मन एक बार तो रुक गया एकदम ठहरी गया बोले बहुत देर तक हम ऋषियों के स्वरूप को देखते रहे और ऐसा लगे क्या है क्या अलौकिक अनुभव हो रहा है संसार देखते हैं तो उसकी छाप मन पे पड़ती है ना ऋषियों के बारे में सुनते हो ऋषियों का आप स्वरूप देख रहे हो हजारों बार मेरे से सुनते हो तो ये सब चीजें मिलके ये भी तो मन में एक नई सृष्टि बना रहा है ना इसलिए मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं कैसा प्रतीत हो तो और दूसरा ये आश्रम तो एक तीर्थ है तीर्थ पे तो ऋषियों का ही वास होता है ये भी जरूरी नहीं कि सारे ऋषि देह के साथ ही हों देह वाले भी तो है ना वो अपनी इच्छा से जो रहते हैं पुराने हमारे बहुत सारे जो ग्रंथ है उसमें वर्णन होता है जैसे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के लिए वर्णन आता है कि उस आश्रम के दर्शन और अनुभूति के लिए बोले देवता भी आके वहां बैठते थे कि महादेव भी खुद आ जाते थे कि वशिष्ठ ध्यानस्थ बैठे आंख खोलते तो सामने महादेव है बोले मैं तो तुम्हारी इस निर्विकल्प अवस्था को देख के तेरे पास खुद खिंचा हुआ आया हूं तो वो शिष्य जी अपने आसन से उठ जाते हैं और प्रणाम करते हैं महादेव को कि भगवान मैं कितना कृतार्थ हूं कि आप मेरे यहां पधारे हैं तो हमारे संतों की वाणी में तो ये बोलते ही ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर बड़ी अद्भुत महिमा है जितना तुम्हें दिख रहा है ये संसार उतना ही तो नहीं है ना संसार बड़ा ही रहस्यमय है बहुत इसलिए ध्यान करने वाले को श्रद्धापूर्ण जीवन जीने वाले को जीवन में कई बार कुछ अनुभूतियां ऐसी होंगी कि मन कहेगा ये क्या था ये क्या है जो हो रहा है पर आश्चर्य नहीं करिए अद्भुत ही है सब कुछ ही अद्भुत है।